हमें बहुत कुछ चाहिए, बहुत कुछ प्राप्त करना है, बहुत कुछ कमाना है, बहुत कुछ जीतना है, लेकिन हमारे प्राणों की सबसे गहरी प्यास क्या है? अमरत्व, इमॉर्टैलिटी। हम चाहते हैं कि आने वाले युग हमें स्मरण रखें, हमें याद किया जाए, हजारों वर्षों बाद भी किसी के वक्तव्य में हमारा नाम आए, कोई सोचे कि हम किस प्रभुत्व से जिए और किस प्रतिष्ठा से मरे। लगभग 2400 वर्ष पहले इस धरती पर एक ऐसे युग पुरुष का जन्म हुआ जिसने मरने, मिटने और समाप्त होने से इनकार कर दिया। धरती के पास इतनी धूल नहीं थी कि उनकी उज्जवल कीर्ति को मैला कर पाए। समय के पास विस्मरण की इतनी शक्ति नहीं थी कि हमें आचार्य चाणक्य का नाम भुला पाए। बात उस समय की है जब भारत की पवित्र सीमाओं को विदेशी आक्रमणकारियों के घोड़े अपनी टापों तले रौंद रहे थे। सिकंदर यूनान से विश्व विजय पर निकला था। कंधार को जीत के वो भारत में प्रवेश कर चुका था और वो दिन दूर नहीं था जब पूरे भारतवर्ष की गर्दन पर यवन पताकाएं कस जाती और हमारी स्वतंत्रता का दम घुट जाता। आचार्य चाणक्य को बस एक ही रास्ता दिखा, भारत के सबसे विशाल साम्राज्य से मदद मांगी जाए। वो जा पहुंचे मगध के राजा धनानंद की राजसभा में भारतवर्ष की रक्षा के लिए सैनिक सहायता मांगने। चाणक्य ने कहा, महाराज दुर्भाग्य है इस धरा का कि हमने विदेशियों के साथ मिलकर अपनी ही धरती का सुहाग छीन लिया। भाइयों ने भाइयों के सीने छलनी कर दिए, अपने ही हाथों हमने अपने ही घरों में आग लगा दी और विजय का रक्त चंदन यवनों के माथे पर मल दिया। मुझे भय है उस दिन का जब हमारी संस्कृति और सभ्यता विदेशियों की दासी बनकर रह जाएगी। अगर हमने अपनी संस्कृति त्याग दी तो हमारे पतन को परमेश्वर भी नहीं रोक सकता। महाराज मैं आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन कर रहा हूं, मेरे भारत वर्ष को बचा लीजिए। सुरा और सुंदरी में डूबा हुआ धनानंद उपहास करते हुए बोला, सीमाओं की रक्षा तो सैनिक किया करते हैं, तुक्ष ब्राह्मण मेरे द्वारपाल से कह दिया होता, एक सम्राट के आनंद में बाधा बनने की क्या जरूरत थी। चाणक्य ने फिर हाथ जोड़कर कहा, सीमाएं सुरक्षित रहीं तो ही सम्राट सुरक्षित रहेंगे महाराज। धनानंद क्रोध से बोला, तू मगध और नंदवंश को धमकी दे रहा है। चाणक्य का ब्राह्मणत्व सत्य कहने से डरता नहीं था। धनानंद के दरबार में, उसके सैनिकों के बीच, उनकी तलवारों की छाया में भी चाणक्य ने कटु सत्य बोल ही दिया, नंदवंश मगध नहीं है और मगध नंदवंश नहीं है महाराज। धनानंद क्रोध से तमतमा गया। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया, बड़ा गर्व है इस मूर्ख ब्राह्मण को अपने ज्ञान पर, अपने ब्राह्मणत्व पर, इसकी शिखा खोल दो और फेंक दो उठाकर राजभवन से बाहर। चाणक्य धनानंद के दुस्साहस पर क्रोध से कांप उठे। उन्होंने जल से भरे हुए कमंडल को धरती पर पटक दिया और अपनी शिखा की गांठ खोलकर कहा, एक दिन यही शिखा तुझे और तेरे कुल को काल सर्पिणी बनके ऐसे डसेगी कि मदिरा में डूबा हुआ तेरा कंठ जल की एक बूंद को तरस जाएगा। धनानंद, ये ब्राह्मण आज अपने पवित्र यज्ञोपवीत की शपथ लेता है, जब तक मैं तेरा और तेरे वंश का समूल विनाश नहीं कर दूंगा तब तक अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। तूने भारत को पदाक्रांत कर रखा है, मैं तुझे पदाक्रांत करूंगा और जो जो इस गौरवशाली राष्ट्र के उत्कर्ष में बाधक बनेगा मैं सबका विनाश करूंगा। देख धनानंद, प्रलय का आगमन हो रहा है और इस बार स्वर्ग के देवता भी इसका मार्ग नहीं रोक पाएंगे। जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। उस दिन एक राजा ने एक शिक्षक का अपमान किया और परिणाम क्या हुआ? भारत का सबसे धनवान राजा धनानंद अपने लिए चार सांसें भी नहीं खरीद पाया और अकाल मृत्यु को प्राप्त हुआ। नंदवंश का समूल सर्वनाश हो गया, किसी के शव पर रोने वाला कोई नहीं बचा। मगध के राज सिंहासन पर एक अनाथ युवक सुशोभित हुआ और अपने पौरुष के बल पर उसने भारत की सीमाएं उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में गोदावरी पर्यंत और पूर्व में असम कामरूप से लेकर पश्चिम में वर्तमान ईरान और अफगानिस्तान तक खींच दी। चंद्रगुप्त की विजय वंशवाद पर पराक्रम और प्रतिभा की सबसे बड़ी विजय थी। आज भी ये धरती धनानंदों से खाली नहीं हुई है। हम धरती पुत्रों को आज भी सत्ता की राजसभा में तिरस्कृत होना पड़ता है, लेकिन हमें याद रखना है कि हम किसके वंशज हैं। हमें पराजित करने वाला इस धरती पर तो क्या इस ब्रह्मांड में कोई नहीं है, क्योंकि हम चंद्रगुप्त का शौर्य और चाणक्य का क्रोध अपनी धमनियों में लेके जन्मे हैं।